जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम सब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, और इस पर्व को हम हरिहर मिलन यानी कि भगवान शिव और विष्णु जी की औपचारिक मुलाकात करवाने की परंपरा में माना जाता है। आमतौर पर देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन हम ऐसा कोई दिन हो जिस दिन भगवान शिव और प्रभु श्री हरि विष्णु का पूजन हम एक साथ कर सके, तो वो दिन आज ही का होता है। आप ऐसे समझिए, यही आज का शुभ अवसर होता है कि जब हम भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु का पूजन हम एक साथ कर सकते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर। तो आज के दिन ना विष्णु जी और भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं, और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बिल पत्र देते हैं। शिव पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भी दिया था। क्यों दिया था वो मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी जानकारी देनी है। इस दिन शिव जी और विष्णु जी दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। जो लोग इस दिन 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। लेकिन स्वर्ग में स्थान ना सिर्फ पूजा करने से नहीं मिलेगा, अपने कर्मों को भी अच्छा करना होता है। आप ऐसे समझिए, सिर्फ 1000 पुष्प चढ़ा देने से और आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, किसी का पैसा मार रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा स्वर्ग में स्थान, क्योंकि कर्म भी हमेशा प्रधान था। ये सब जो हम करते हैं ना, पूजा पाठ, ये तो आप ऐसे समझिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाती है हमारे लिए, लेकिन कर्म बहुत मायने रखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना, कर्म प्रधान था, है और रहेगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत पूजा करने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु जी और शिव जी के आशीर्वाद से उनके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। ये पर्व देव दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। जी हाँ, वैकुंठ चतुर्दशी इस बार हम कब मनाएंगे? 25 नवंबर को मनाएंगे। तो ये भी तो पता हो ना, तभी तो हम मनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार ना, एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए थे, तो वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया था। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, तो मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। तो ये विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए कि मैं तो चढ़ा दूंगा। तो विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से शिव जी इतने प्रसन्न हुए, देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी, और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेंगे उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। जी हाँ, तो ना आप पहले तो एक बात समझिए कि इस कहानी से अभी तक सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये कि देखिए, विष्णु जी ने प्रण किया कि मैं 1000 कमल स्वर्ण कमल से पूजन करूंगा, जिसमें से शिव जी ने एक कम कर दिया है ना। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं, हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, हमारा वो उस समय नहीं होता। हम सोचते हैं कि पूरा हो गया फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान ने ना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होता है। तो अपने इस विश्वास को मत खत्म होने दिया करिए, आपका जो कार्य है उसे पूरा कर लीजिए। क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार ना वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स पड़े होते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, भोलेनाथ को जल चढ़ाने से क्या होगा, दूध चढ़ाने से क्या होगा। हालांकि इन सब के सवालों के जवाब जो काफ़ी फिल्म स्टार्स पहले बोला करते थे कि दूध वेस्ट होता है, शिवजी पे चढ़ाने से ये होता है, वो होता है, आज वो खुद मंदिर में जाकर खूब अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का। क्योंकि कर्म सदैव बलवान रहा है, इसीलिए कहते हैं कि किसी पर उंगली उठाने से पहले आप 100 बार समझिए
कि क्या उंगली उठाना सही है। तो जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं ना, यहाँ तक जो समझने वाली बात है वो ये है कि कई बार जानबूझ के प्रभु परीक्षा भी लेते हैं हमारी, तो उस परीक्षा से घबराइए मत। बस अपने प्रभु पर आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए कि हम जो कर रहे हैं हमें पता है उसका फल हमको जरूर मिलेगा। अच्छा, अब इसके बाद भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। इसीलिए किया था क्योंकि उनकी भक्ति से ना वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अगर करता है वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में समझिए कि सुनिश्चित जरूर कर लेगा। लेकिन सिर्फ इतना करने से उसका स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित नहीं होगा, कर्मों को भी अच्छा करना जरूरी होगा। अब ये तो हो गई कथा, कहानी किसके पीछे का तथ्य क्या था, क्या कहानी थी, लेकिन अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन 14 दीपों का दान आप लोग जरूर करिए और हर दीप में आपको गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पत्तियां जरूर डालनी है। अब ये दीप दान आपको कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप 2 दीपक अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, एक शिव जी के सामने एक विष्णु जी के सामने, और इन दोनों दीपों में आपने या तो गुलाब के फूल या गुलाब के फूल की पत्तियां जरूर डालनी है। फिर 2 दीपक आप अपने घर के मेन गेट पर जलाएंगे। अब मेन गेट पे हम क्यों जला रहे हैं पता तो भी हो हमें, है ना, इसीलिए तो कहती हूँ कि एस्ट्रो एडवाइस के साथ जुड़े रहना जरूरी है ताकि आपको पता रहे आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये 2 दीपदान आपने शुभ लाभ के नाम के अपने मेन गेट पर जलाने हैं। इसके बाद 1 दीपदान आपने अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के नाम से जलाना है। फिर आपने 1 दीपदान अपने घर के लॉकर के पास माता महालक्ष्मी के नाम से जलाना है। फिर 2 दीपक आपने माँ तुलसी के पास जलाने हैं। 1 दीपक आप गौ माता के नाम का जलाएंगे माँ तुलसी के पास और 1 माँ तुलसी का। फिर इसके बाद में आपको 2 दीपक केले के वृक्ष के नीचे जलाने हैं और 2 दीपक आपने पीपल के वृक्ष के नीचे जलाने हैं और 1 जहां आप अपने घर में जल भर कर रखते हैं ना वहां पर आपने जलाना है, क्योंकि ये आप माँ गंगा के नाम का दीपक जला रहे हैं। तो अगर जो गंगा घाट के आसपास रहते हैं वो वहां जाके जला लें, नहीं तो अपने घर की रसोई घर में जहाँ जल भर के रखते हैं वहां पर आप इस दीपक को जला लीजिए और माँ गंगा का ध्यान कर लीजिए। तो ये 14 दीपदान आपने घर के अंदर जो है ये आपने करने हैं, लेकिन दिन छुपने के बाद में करने हैं, यानी कि जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद आपने ये दीपदान करने हैं। ये सारे दीपक आपके घर के अंदर के हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अब 14 दीपक अलग से आपने जलाने हैं। वो आप अपने घर के पास के किसी भी मंदिर में जाकर, विष्णु जी का मंदिर हो या फिर शिव जी का मंदिर हो, वहां जाकर उनके सामने एक एक बत्ती वाला 14 दीपक अलग अलग आप गुलाब के फूल की पत्तियां या गुलाब के फूल डालकर वहां पर आप इनको जरूर जला कर आएंगे। मतलब या शिव जी के सामने जला दीजिए या फिर विष्णु जी के सामने जला दीजिए, लेकिन जलाकर जरूर आइए, क्योंकि ऐसा करने से अब 1000 कमल के स्वर्ण पुष्प तो मिलना मुश्किल है, लेकिन कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत ही पुण्यदायी महत्व है। तो आप आज के दिन 14 दीप दान अगर आप इस तरह करते हैं तो आप समझिए कि इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी सिर्फ अच्छी नहीं लगनी चाहिए, आप इसको करिए, क्योंकि करेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि आपको कितना लाभ मिला है। ये जो मैंने आपको 14 दीपक बताए हैं आप घी के जलाइए, नहीं तो तिल के तेल के भी जला सकते हैं। सरसों के तेल का कोई भी दीपक नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। जय माता दी।